सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है, होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। जीना है तो अच्छे बनकर जियो, दिखावे के लिए तो हर कोई जीता है। अपनी इच्छा को अपने वश में रखना चाहिए, दूसरे की मुट्ठी में नहीं। आज का पंचांग 30 मार्च 2020, दिन सोमवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, सुबह 3:15 तक रहेगी। रोहिणी नामक नक्षत्र शाम 5:18 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 7:31 से 9:02 तक रहेगा। आज का विजित मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:40 से 12:31 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। धनु राशि 30 मार्च 2020, दिन सोमवार, आप किसी करीबी को कोई सलाह देंगे और वह इसे बहुत कृतज्ञता के साथ स्वीकार करेगा। आप आज बहुत अच्छे और नरम मूड में हैं। आज के दिन अपने पुराने दोस्तों से संपर्क स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा है। अपने किसी पुराने स्कूल के दोस्त से फोन पर बातें कर ली, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पिछले मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए भी अच्छा समय है। नौकरी पेशा से जुड़े जातकों की वेतन अभी रुक सकती है, इससे मन में नकारात्मक भाव बनेंगे, परंतु आपको सकारात्मक रहने की कोशिश करनी चाहिए। आज अपना स्वभाव अड़ियल ना रखें। भविष्य के लिए आज कोई योजना ना बनाएं, नहीं तो बाद में उसमें बहुत फेर बदल करने पड़ सकते हैं। आज पुरानी गलतियों के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है। किसी की बात अपने दिल पर ना लें, ना ही उनके कारण अपने अहम को बढ़ने दें, नहीं तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इससे न केवल आपके रिश्तों पर असर पड़ेगा बल्कि आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। सावधानियां, किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले संतुलित नजरिए से दोनों पक्षों को जांचें। इन दिनों आपको बहुत परेशानी हो सकती है, दोस्तों के साथ गलतफहमी अप्रिय हालात खड़े कर सकती है। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले संतुलित नजरिए से दोनों पक्षों को जांच लें। आपके पिता की कोई सलाह आज कार्य में आपको धन लाभ करा सकती है। ग्लानी और पछतावे में वक्त बर्बाद ना करें बल्कि जिंदगी से सीखने की कोशिश करें। लव लाइफ की बात करें तो इस बात की बहुत आशंका है कि कोई तीसरा आदमी किसी गलत इरादे से आपके संबंध में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा, या कोई ऐसा आदमी है जिस पर आप विश्वास भी करते हैं और आप इस पर निर्भर भी हैं। इसीलिए वह अगर आपके पार्टनर के बारे में कोई भी सूचना दे तो पहले उसकी छानबीन कर लें। आप अपने पार्टनर की वजह से ईर्ष्या का कारण बन सकते हैं। आपको केवल अपनी ही भावनाओं पर भरोसा करना होगा। करियर की बात करें तो एक परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में आने का संकेत दे रहा है। आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं। आप अपनी नौकरी बदलने का विचार भी कर सकते हैं। यह ऐसी स्थिति होगी जिसको आप पसंद करेंगे और इन संभावनाओं का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, इसलिए आपको इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने की जरूरत है ताकि आपका करियर उचित दिशा में चलता रहे। सेहत की बात करें तो आज आप शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से खुद को बहुत अच्छी स्थिति में पाएंगे। आज थोड़ा सा और अधिक ध्यान रखें और बोरियत से बचने के लिए कोई फिटनेस कार्यक्रम घर पर ही चालू कर दें। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।